ग्राम नारायणपुरा में विगत 4 वर्षों पश्चात श्री कारसदेव प्रांगण में श्री श्री 1008 श्री महालक्ष्मी महायज्ञ सानिध्य श्री नारायण से पंडा जी नारायणपुरा को मिला। पुणे के दिन कलशात्रा मेरे हवन पूजन आज के तारीख 13 को समाप्त हुई और सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सहयोग से हमारे सहायगढ़ और क्षेत्र पूर्व सबके सहयोग से बाबा की कृपा शंकर जी की कृपा से सब कार्यक्रम हो रहा है। यज्ञ आचार्य पंडित श्री रामप्रकाश शास्त्री के मुखारविंद से 2.25 लाख मंत्रों की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न हुआ। भगवान की जय। हमारे श्री नारायणपुरा धाम में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो कार्य चल रहा है आज वह पूर्णता की ओर पूर्ण आहुति होने वाली है। यज्ञ का अर्थ होता है सभी जीव सभी तरह से तृप्त हो। यज्ञ 10 वर्ष के अंतराल में ये तीसरा महायज्ञ है। पहले हुआ था राधा कृष्ण यज्ञ, दूसरा हुआ था विष्णु यज्ञ, ये है महालक्ष्मी नारायण यज्ञ। हमारे जनता जनार्दन भक्त और समस्त ग्रामवासियों ने तन मन धन लगा करके ये यज्ञ पूर्ण किया, पूर्ण होने जा रहा है। और हमारे श्री कारसदेव सरकार की प्राण प्रतिष्ठा, उनके पूरे संस्कार थोड़े ही समय में वो अपनी आसन पर विराजने वाले हैं। यज्ञ आदि करने से जल की वृष्टि होती है, सभी भाईचारा रहता है, सभी में प्रेम रहता है, सभी निरोग रहते हैं, धन धान से परिपूर्ण होते हैं, गाय भैंस सभी आनंद में होते हैं। ये यज्ञ की रूपरेखा होती है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, वहाँ सत्य है और वहीं आनंद है। आज यज्ञ आहुति दी जा रही है। आज पूर्ण आहुति कितने मंत्रों का चरण होगा? 1,60,000 आहुतियाँ महालक्ष्मी नारायण को प्रदान की गई हैं। शेष आज आहुति जो है 25,000 आहुतियाँ हैं, वे आज पूर्ण होंगी। ऐसे सब मिला करके 2.25 लाख आहुतियाँ पूर्ण की गई हैं। महालक्ष्मी नारायण पूर्ण हो रहा है। बोलो यज्ञ नारायण। वहीं धार्मिक आयोजन के विशेष आमंत्रित अतिथि राजस्थान से पधारे श्री भगवान से गोडिया झांझ रहे। यज्ञ से शांति मिलती है और बाबा खुश होते हैं, देवता 33 कोटि खुश होते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, छोटे बड़े और सब भाई बहन सब प्रसाद लें और बहुत अच्छी तरह से बात है शांतिपूर्वक यज्ञ में ये बात है शांति। ग्वाल बाबा सरकार से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तों को आप क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा ही करवा दे रहे ये बात है भगत हमारे। वहीं संगीतमय श्री 1008 भक्तमाल कथा का समापन कथा व्यास पंडित श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जी के मुखारविंद से संपन्न हुआ। धार्मिक कार्यक्रम में भक्तों व श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई और यज्ञशाला की अनेक परिक्रमा लगाकर अपने जीवन को सफल किया। कार्यक्रम में नगर परिषद उपाध्यक्ष पुनीत जैन, पत्रकार, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश खटीक सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए।